गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग चंदा विश ब्लॉग में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज है जन्माष्टमी, तो मैं आज आपको दिखाऊंगी कि पूरे दिन हम कैसे और क्या करते हैं, और आज हम कृष्ण जी का बर्थडे मनाएंगे। तो आइए चलते हैं, आगे का अपडेट मैं आपको देती हूँ और मैं क्या करती हूँ। और मैं नहा चुकी हूँ और अब मैं मंदिर में जा रही हूँ पूजा करने। अब मैंने मशीन लगाने की तैयारी कर ली है और ये मैं पानी डाल रही हूँ, क्योंकि पानी भी नहीं डाला था इसमें, कपड़े निकाले थे मैंने। अब पानी डाल रही हूँ फटाफट ताकि मशीन लगाऊं। फिर मेरी बेटी कह रही मैंने नहाना है, आप बाहर आ जाओ। तो मैं ठीक है, आप नहा लो। फिर मैंने फटाफट वाइट कपड़े सारे इकट्ठे करे और मशीन में डाले, पहले निरमा इसमें डाल दिया और फिर मैंने सारे वाइट कपड़े इकट्ठे करके निकाले और मशीन में डाले। थोड़े बाबू के कपड़े थे जो लाई थी वो भी डाले। फिर मैंने मशीन लगाने के बाद मैं फिर मंदिर की सफाई करने लग गई, क्योंकि जन्माष्टमी है तो भैया मंदिर तो साफ़ करते ही हैं, रोज़ साफ़ करती हूँ वैसे तो, आज थोड़ा और अच्छे से साफ़ कर रही हूँ। और कान्हा जी को भी नहलाऊँगी और रात को भी नहलाऊँगी उनको। तो मैं अभी पहले सुबह की पूजा पाठ कर लूँ, फिर करती हूँ आगे। मैं नहला रही कान्हा जी को, अब इनका नंबर आ गया नहाने का। कान्हा जी अब नहा लिए हैं, अब मैं उन्हें कपड़े पहना रही हूँ और कपड़े पहना कर उनको अपने आश्रम में रख दूँगी। और फिर मैं मंदिर का पोछा भी लगा रही हूँ ताकि अब मैं पूजा करूँ। पोछा तो डेली ही लगता है, साफ़ सफाई होती है। आज मेरी गिन्नी की छुट्टी है और इसको मॉर्निंग में ही ट्यूशन बुलाया इसकी दीदी ने, और ये लेट हो चुकी है, 8 बजे बुलाया था, तो ये अब जाएगी ट्यूशन फटाफट, इसके पापा छोड़ के आएंगे। शक्ल दिखाओ बेटा, क्यों डर रहे हो? अब ये ट्यूशन जाएगी, नहा धो के तैयार हो गई, अभी ट्यूशन जा रही है। ओके, अभी आएगी बाद में। यहाँ मैंने मंदिर की सफाई करी और वहाँ मशीन में वाइट कपड़े भी हो चुके थे, तो मैंने सोचा कि पहले वाइट कपड़े निकाल लूँ और फिर दूसरे कपड़े डालूँगी, फिर बाद में मैं आगे काम करूँगी। वाइट कपड़े निकालने के बाद अब मैं जो कम गंदे हों और जो कलर ना निकालता हो उन कपड़ों को डाल रही हूँ मैं। कपड़े डालने के बाद फिर मैंने पूजा अर्चना करी, भगवानों को धूप वगैरह जलाई और पीठे वगैरह लगाया। आदि आप उठ गए? ओ आदि मेरे, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। इधर देखो यार, मम्मा को देखो ना। गिन्नी ट्यूशन से पढ़ के आ गई है, अब चेरी इसके साथ मस्ती कर रही है। तोड़ दिया? चल जाएगा। चेरी मस्ती कर रही है, मस्ती उसके से लगा। चेरी चेरी चेरी, मेरी गिन्नी की एंट्री हो रही है राधा बन के। ये है हमारी छोटी राधा जो मॉर्निंग में ही तैयार हो गई है। अब रात तक गिन्नी को इसकी बुआ ने सजाया था जो पड़ोस में ही रहती है, और बनाने के बाद फिर इसको उधर लेकर आए, फिर ये अपने पोज देने लग गई, फ़ोटो खिंचवाई इसने काफ़ी, और घूम रही थी कि मैं राधा बन गई हूँ, खुश हो रखी थी ये भी। हम जा रहे घूमने। ये मेरा आदि कांदो पगिया, ये पियू की मम्मी, हम मंदिर देखने जा रहे हैं। तो हम लोग आए थे डॉक्टर के पास क्योंकि आदि की भी तबीयत ख़राब हो रही है और इनकी बेटी की भी तबीयत ख़राब है, इसलिए हम दिखाने आए थे। तो आगे मंदिर है, हम उसे देखने जा रहे हैं। आज है जन्माष्टमी तो मंदिर सजे होंगे अच्छे से, चलें फिर देखने। ये रे बच्चे, जय करो, जय करो भोलेनाथ जी को। टॉफी है, सब जगह टॉफी रखी है। जन्माष्टमी के उपलक्ष में मंदिर काफ़ी अच्छा सजा था और सारी झांकियां लगा रखी थी उन्होंने,
और ये प्रोग्राम रात को होना है, मगर हमने डॉक्टर के पास गए थे तो हमने सोचा चलो देख कर आए थे मंदिर को, तो मंदिर भी देखाए हम, हमारे दोनों काम हो गए, बच्चों की दवाई भी ले आए और मंदिर भी वो कराए, तो मंदिर काफ़ी अच्छा। बोले ना जी, चलो टॉफी केला भी मिला, मजे आ गए। पहले मैंने आपको मंदिर के अंदर का दिखाया था, अब ये है मंदिर के बाहर का सीन जो कि बहुत ही सुंदर है, अति सुंदर लग रहा है। तो देखिए कैसे सजा रखा है पूरे मंदिर को, और ये लास्ट में राधा कृष्ण झूला झूलते हुए दिखा रखे हैं उन्होंने। हेलो आदि, अब हम मंदिर देखकर घर को जाएंगे। छिलका डस्टबिन में डालो। अब हम घर जाने के लिए गाड़ी में बैठ गए हैं और अब गाड़ी चल चुकी है। मैं घर में आके खाना बना रही हूँ, कान्हा जी का है, हम बना रहे हैं आलू की सब्जी और खीर और चटनी, टमाटर की थोड़ी सी पूड़ी, ये बनाया जाएगा आज व्रत वाले दिन। और आज जन्माष्टमी है तो पकवान तो बनते ही हैं ना। बनाने के बाद आपको दिखाऊंगी मैं इसका टेस्ट कैसा है, फिर मैं जलाऊंगी पूजा। पूजा करनी है, अभी मैंने पूजा भी नहीं करी है, तो मैंने सोचा कि पहले खाना बना लूँ फिर मैं पूजा करूँगी, तो भोग भी लगाना होता है तो भोग भी निकालूंगी। अभी मैं पूड़ी भी बनाऊंगी ताकि भोग लगाया जाए, फिर आपसे मिलती हूँ बाद। किसकी? हलवे की। हलवे की खुशबारी? हाँ। किसने बनाया हलवा? क्या तो अब मैंने सब्जी भी बना दी है और खीर भी बना दी है, तो अब मैं बनाने जा रही हूँ भगवान का प्रसाद भोग, यानी कि तो वो सूजी से बनाऊंगी। और मेरी सब्जी बन चुकी है, बर्तन में लगा दिए हैं और यहाँ खीर भी पक रही है अभी, तो वह रखा है, अब जरा भगवान का भोग बना दूं। तो खीर भी रेडी हो चुकी है और थोड़ा सा रहती है कसर इसमें, बाकी प्रसाद भी मेरा रेडी हो चुका है और अब चलते हैं पूजा करने के लिए, फिर आगे का अपडेट आपको देती रहूँगी। तो मैंने पूजा कर ली है और मेरे कान्हा जी बैठे हैं उधर दूर, और पूजा भी मैंने कर ली है और भोग भी रख दिया है मैंने, प्रसाद यानी सॉरी प्रसाद रख दिया, भोग बनाऊँगी। ये हैं बड़े बड़े कान्हा जी, ये है पूरा मंदिर, बच्चों को भी खाना खिलाऊँगी, फिर हम आगे खाना खाएंगे। रात के 12 बजे मैं इनको नहलाऊंगी। देखिए मेरी गर्मा गर्म पूड़ी बन रही है, आधी पूड़ी ये रही, मम्मी को खाना देकर आ गई हूँ और अब मेरी पूड़ियाँ बन रही हैं। तो आपके लोगों के मुंह में भी पानी, तो आप लोगों के मुंह में भी पानी आ ही रहा हो, तो आ जाइए खाने के लिए, क्यों टेंशन लेनी है। ये आ रखी है भारती, इसी ने सजाया था गिन्नी को, और अब मैं बना रही पूड़ी। आप कहाँ जा रहे हो? मंदिर में। आठ नंबर जा रहे किचनों में। अच्छा क्या करने? जन्माष्टमी कृष्ण जन्म उत्सव मनाने। अच्छा फिर चलो फिर ठीक है, मैं जा रही बाय। ओके बाय। मेरी पूड़ियाँ बन चुकी हैं, खत्म हो गया पूड़ी अब मेरी, और ये रही सब्जी। आ गई है सिस्टर, अब हम जा रहे हैं घूमने, रात का समय हो गया 11:30 का, चले फिर घूमने। चल 6 बजे आओगे क्या आदि? चलो फिर बाय बाय, आगे मिलते हैं। निकर पहनो, उतारी कैसे थी? सर जी ने निकाल लिया बाइक थोड़ा घूमने के लिए, अब हम जा रहे हैं रात को घूमने। आदि चलो फिर। घर से थोड़ी ही दूर मंदिर है,
और ये मंदिर बजरंगबली के नाम से जाना जाता है। और ये इतना सजा हुआ था बैलूनों से, सारे बैलूनों से सजा था, और हमें लाइन में लगकर खड़े होकर इंतज़ार कर रहे थे कान्हा जी के दर्शन के लिए। तो ये मैं धीरे धीरे बना रही थी वीडियो, और सारे बैलून 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 थे। बहुत अच्छा लग रहा था, जैसे बर्थडे में हम अपने बच्चों के लिए बैलून से सजाते हैं, तो इधर भी कान्हा जी के बर्थडे के लिए बैलून से सजा रखा था, पूरा डेकोरेट कर रखा था। तो अच्छा लगा काफ़ी, और बहुत फीलिंग आई कि हाँ आज कान्हा जी का बर्थडे है। यहाँ आके बहुत इंजॉय भी करा। और इधर कान्हा जी को झूला झुलाया जा रहा है, तो हमारा नंबर भी आया, हमने भी झूला झुलाया, और फिर हम आगे को बढ़े। और बैलून से सजे हुए पूरे मंदिर को डेकोरेट कर रहा था, बजरंगबली भी सुंदर लग रहे थे। उनको बैलून अच्छे लगते हैं, तो खड़ा हो गया बैलून के पास। दर्शन करने के बाद हम घर में आए, आते आते हमें 12:30 बज गए। मैंने फटाफट आके अपने कान्हा जी को दही दूध गंगा जल जल सबसे नहलाया, मैंने शहद से भी नहलाया अपने छोटे से कान्हा जी को। फिर उनको नए नए वस्त्र भी पहनाए, और फिर मैंने पूजा अर्चना करी। नहलाने के बाद मैंने पूजा अर्चना करी और अपने कान्हा जी को भोग भी लगाया, जो जो मैंने बनाया था सबका भोग लगाया। और अब करते हैं गाइस यहीं पे ब्लॉग का एंड, क्योंकि रात हो गई है, काफ़ी एक बज चुका है, तो अब मैं खाना भी खाऊंगी। तो अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अधिक से अधिक शेयर करें। मेरे ब्लॉग का नाम है चंदा बिस्ट ब्लॉग। बाय।